चुका है। जैसा कि आपने पूरा प्रोसेस देखा यहाँ पे, हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हमेशा सीपीयू रिबॉल ही पॉसिबल नहीं होता है। आपको इसका फ्रेंड कैसे हैं आप, अच्छे होंगे तो हमेशा एक तरह की वीडियो। और तो हमारे पास एक X3 का फ़ोन है और ये फ़ोन डेड है और किसी बंदे ने ऑलरेडी इस पे काम किया हुआ है। तो चलिए फाइनली देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है, क्या फॉल्ट नहीं है। तो फिलहाल एक बार मैं दिखा देता हूँ कि फ़ोन एक्चुअल में कोई भी बूटिंग नहीं कर रहा, कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा है। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या कंडीशन बन रही है। तो ये आप देखेंगे मैंने B2B पता लगा दिया, चार्जिंग लगा दिया है और यहाँ पे देखेंगे कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। और ये देख सकते हैं चार्जिंग वगैरह लगा हुआ है और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है और क्या क्या चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी काम हुआ है इस फ़ोन में, तो देखते क्या फॉल्ट बनता है, क्या फॉल्ट नहीं बनता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस बोर्ड में ऑलरेडी काम हो चुका है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इधर काम हुआ है। और ये मेरे को लगता है आई थिंक ये ऑडियो के लिए आया था और इन्होंने CPU वगैरह रिवॉल्व भी किया है जैसा कि देख सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बट इन्होंने ऑलरेडी काम किया है ना, तो हम वो गलती नहीं करेंगे। हम आप जब कभी आपके पास ऐसा डेड फोन आए तो हो सकता है वो CPU का फॉल्ट ना हो, पर आप उसको CPU को समझ करके उसमें अदरवाइज बहुत सारे एक्स्ट्रा काम कर जाते हैं। तो हमेशा गाइज मैं आपको बताऊं कि जब कभी आपको ऐसा फॉल्ट आए, आपने देखा कि कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा था, तो गाइज आपको पहले जितने भी बल्ब वायर हैं आपको ईमानदारी के साथ सारे पे शॉर्टिंग चेक कर लेना है। सब लोग बताते हैं आप ये चेक कर लो, वो चेक कर लो, वोल्टेज चेक कर लो, LDU वोल्टेज चेक कर लो, हायर वोल्टेज लोअर वोल्टेज चेक कर लो। भाई मेरे हिसाब से फटाक से जाओ और सारे बल्ब वायर पे आप बीप चेक कर लो। तो मैं फटाफट जा करके बीप चेक कर लेता हूँ, आपको बीप की आवाज़ सुनाई देगी यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे देखिए मैंने बजर मोड पे रख दिया है, ये मैंने प्रोब को रखा, बीप आ रही है फटाफट। अब जितने मुझे बग कॉइल दिखाई दे रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे बीप चेक कर लेता हूँ। तो देखिए कोई बीप नहीं, 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 यहाँ पे देखेंगे तो कोई बीप नहीं, और यहाँ पे देखेंगे कोई बीप नहीं, कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये देख सकते कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो गाइस अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर लो, पहले तो आप शॉर्टिंग चेक कर लो, दूसरी बात शॉर्टिंग होने के बाद ही अलग आप काम बढ़ाएं। शॉर्टिंग नहीं है तो अब आप गाइस क्या करो, इसमें वोल्टेजेस चेक कर लो। तो वोल्टेजेस जैसे यहाँ पे सारे वोल्टेज चेक कर लो, 0.8, 0.1.2, जितने वोल्टेज होते हैं आप उसको वोल्टेज को चेक करें। और इसमें VPH वोल्टेज जरूर चेक करें कि VPH वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा, 3.7 से 4.2 वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये सारे वोल्टेज को आप जरूर चेक कर ले। वोल्टेज नहीं बन रहा है तो देन अगर प्रॉब्लम में दिक्कत है तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम में काम कर पावर में काम करेंगे। अगर प्रॉब्लम सही है, वोल्टेज सारे क्लियर है, तब जाकर के CPU में काम करेंगे। तो चलिए फाइनली देखते हैं, CPU हम भी निकालते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसा अगले बंदे ने इस पे काम किया है, कैसा काम नहीं किया है, तो वो सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। भाई जिस बंदे ने काम किया है देख सकते हैं ये पैड को ही निपटा दिया है कुल मिला के। रिबॉलिंग तो इन्होंने सही से की है, बट क्लीनिंग भी सही से की थी, पर स्क्रेचेस भी आ गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पैड भी इन्होंने रिमूव कर दिया है। अब ये पैड कैसे थे, काम के थे नहीं थे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये पैड्स रिमूव हो चुके हैं, ये अब देखोगे यहाँ पे तो दो पैड नहीं है। तो चलिए अब इन दो पैडों को देखते हैं कि वाकई में ये पैड काम के थे कि नहीं थे। फोरम्यू खोलना है और इसका बिट मैप खोलना है और देखना है कि जो पैड्स रिमूव हुए हैं वो काम के थे कि नहीं थे। तो मैं वही चेक कर रहा हूँ कि वो पैड्स काम के हैं कि नहीं है, जो पैड्स रिमूव हुए हैं। अगर वो पैड काम के थे तो हमें माइक्रो जम्पर करना होगा, अगर वो पैड काम के नहीं थे तो कोई दिक्कत की बात वहां पे नहीं है। पैड था ये हमारा NC है, इससे हमारी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर उसके ऊपर ही देखते हैं वो पैड काम किए कि नहीं है। मतलब जो दोनों ही पैड निकले हैं ना वो मतलब NC या तो ग्राउंड है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। बट निकालेंगे और उसको भी रिवॉल्व करके डालेंगे यहाँ पे।
आप देख सकते हैं गाइस, ये फोन कंप्लीटली वही फोन है, ये चालू हो चुका है। जैसा कि आपने पूरा प्रोसेस देखा यहाँ पे, हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हमेशा सीपीयू रिबॉल ही पॉसिबल नहीं होता है आपको इसका यूएफएस, क्योंकि अगर आपने किसी को छेड़ा है सीपीयू निकालने के टाइम पे आपने देखा था, तो हो सकता है कि इसका जो डैमेज यूएफएस भी हीट पड़ने के कारण डैमेज हो गया हो। तो आपने पूरा प्रोसीजर इसका देखा, आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखाया। तो वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके जरूर बोले। तो ये देख सकते हैं वही फ़ोन है जो ये डैड था, और हमने यहाँ पे सीपीयू और इसका यूएफएस दोनों रिबॉल किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।